नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधवा। हर बार की तरह इस बार भी हम पहेली की शुरुआत एक पहेली से करेंगे। हमारी आज की पहेली है, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही मैं आता काम, कलम नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम। तो आप खोजिए इस पहेली का हल, इसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। फिलहाल हमारी आज की पहेली में आस्था भी है, अजूबा भी है और अविश्वसनीय दावे भी। जहां जाकर सदियों से भक्त नतमस्तक होते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर शहर में मां शारदा का शक्तिपीठ है, जहां रोज रात को एक अनोखी घटना होती है। मंदिर के पट बंद होने के बाद यहां आरती के स्वर गूंजने लगते हैं, घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं। सुबह मंदिर के पट खोलने पर भगवती का श्रृंगार किया हुआ मिलता है। ऐसे ऐसे फूल चढ़े मिलते हैं जिन्हें आज तक किसी ने देखा तक नहीं है। ये मां का कैसा परम भक्त है जो 1063 सीढ़ियां चढ़कर हर रोज आता है और मां का श्रृंगार करके चला जाता है। आखिर भक्त और मां शारदा के बीच ये कैसी पहेली है, देखते हैं। ये पहेली है 900 साल से जिंदा एक राज की। ये पहेली है देवी की भक्ति में लीन एक योद्धा की। और ये पहेली है ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले अद्भुत चमत्कार की। आज भी पहली पूजा यहाँ पर आला करके जाते हैं। आखिर बंद तालों के अंदर माँ का श्रृंगार कौन कर जाता है, वो दिखाई क्यों नहीं देता? आज भी वो माँ की साधना करते हैं। आखिर भक्त और भगवान के बीच ये कैसी डोर है जिसका रहस्य 900 साल से रहस्य ही बना हुआ है। आल्हा देव जी माँ शारदा की नित्य प्रतिपूज जो है पूजन करते हैं। माँ शारदा ने आल्हा को अमरता का वरदान दिया था। दावा किया जाता है कि रोज रात मंदिर के पट बंद होने के बाद यहां एक अजूबा होता है। ये मंदिर एक ऐसी हैरतअंगेज घटना का साक्षी बनता है जिसका दावा यहां जन जन की जुबान पर मिलता है। भला रात के सन्नाटे में मंदिर से घंटे और घड़ियाल की आवाज कैसे आने लगती है? आप भी सुनिए, मंदिर के पुजारी ने जो कहा उसे सुनकर आपका चौंकना लाजमी है। उपासना करते करते माँ शारदा इतना प्रसन्न हुई, आल्हा को उनको प्रकट होके और सीधा अमरता का वरदान प्रदान किया, जिसका प्रमाण आज भी मिलता है कि जब पट खोलो तो ऐसा फूल जो कभी देखा ना हो, कभी पट खोलो तो माँ का वस्त्र गीला, कभी घंटे बजने की आवाज, तो ऐसे नाना प्रकार के संकेत होते हैं कि आज भी पहली पूजा यहाँ पर आल्हा करके जाते हैं। तो क्या आज भी हनुमान जी की तरह आल्हा अमर है? वो रोज रात में माँ शारदा का श्रृंगार करते हैं। इस तरह का ये कोई पहला दावा नहीं था। कानपुर के खेरेश्वर मंदिर और रायसेन के असीरगढ़ के किले में रोज रात अश्वत्थामा के आने की बातें कही जाती हैं और सुबह शिवलिंग की पूजा की हुई मिलती है। ऐसी ही किंवदंतियां उत्तराखंड में गंगोली हाट के हाट कालिका मंदिर से भी जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि यहां मां काली विश्राम करती हैं। मंदिर में रोज महाकाली का बिस्तर लगाया जाता है। सुबह इस मंदिर के गर्भगृह के ताले जब खोले जाते हैं तो बिस्तर पर सिलवटें होती हैं।
ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ पर शयन किया हो। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इस घटना का जिक्र मिलता है, जिनमें कहा गया है कि देवी यहाँ पर प्रकट होती है। भारत में ऐसे दावों की कमी नहीं है, लेकिन जगनिक के लिखे अल्हा खंड में बुंदेलखंड के महोबा के सेनापति आल्हा की शूरवीरता के प्रमाण मिलते हैं। वीर मोहबे में आला देखो आल बली अवतार बड़े बड़े योद्धा जग जीते, जो कहती है ये योद्धा 52 युद्धों में अजेय रहा, जिसके पराक्रम ने पृथ्वीराज चौहान को भी रण क्षेत्र में मात दे दी थी। आल्हा देव जी माँ के अमर भक्त हैं। पिछले द्वापर में ये धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में प्रतिष्ठित थे और वही आल्हा का पुनर्जन्म कलयुग में आल्हा देव के रूप में होते हैं, जो राजा परिमाल के सेनापति थे। और पृथ्वीराज चौहान से इनके कई युद्ध हुए हैं और सभी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने पराजित किए थे। आल्हा उदल दो भाई हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश के महोबा के रहने वाले थे। शारदा माँ उनकी कुलदेवी थी और दोनों भाई युद्ध में बहुत निपुण थे। पृथ्वीराज सिंह चौहान से भी उनका युद्ध हुआ था, जिसमें वो विजय सब प्राप्त किए थे। इस दिव्य स्थान की गाथाएं सुनकर हम भी हैरान हो रहे थे। हम भी मां शारदा के अलौकिक स्वरूप के साक्षी बनना चाहते थे, इसलिए हम मध्य प्रदेश के सतना से करीब 45 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच गए मैहर, जहां पर्वत पर सजता है मां मैहर का दरबार। लेकिन हमारे जहन में तो मां के अनंत भक्त आल्हा के चमत्कारिक किस्से कौंध रहे थे। आल्हा जिनकी गाथाओं को सुनकर आज भी रगों में उबाल आ जाता है। बुंदेलखंड के लोक गीतों में आल्हा और उदल रचे बसे हैं। यहाँ आज भी वीर रस के गीत गाए जाते हैं। आल्हा उदल खूब लड़ैया जिनकी मार सही ना जाए, सुना और सुनाया जाता है। भक्त और भगवान की इसी अकल्पनीय डोर से जनमानस की आस्था भी जुड़ी है, जो कहती है कि आज आल्हा महोबा के सेनापति नहीं बल्कि आल्हा देव हो चुके हैं, जो नित्य माँ की गोपनीय पूजा करके चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपने आने के निशान, जिसे आस्था भक्त आल्हा की भक्ति से जोड़ती है। महोबा के जो राजा थे आल्हा उदल दो भाई, उनमें से एक भाई आल्हा को माँ शारदा इस कलयुग में अमर करने वाली माँ शारदा सरस्वती है। तो लोगों की भावनाएं और उनको प्रणाम है सबको, क्या क्या बताएं उनके बारे में। ये 52 गणों की विजेता बने माँ की भक्ति करके, माँ की साधना प्राप्त करके, इन्हें ऐसी सद्बुद्धि, इन्हें ऐसी सद साहस की प्राप्ति हुई, धर्मनिष्ठा होने से सभी को विजय प्राप्त कर लिए और आज भी वो माँ की साधना करते हैं, आज भी वो माँ की आराधना करते हैं। हम आपको आल्हा उदल का तालाब भी दिखाएंगे, पर्वत की तलहटी में ही बना हुआ है। आपको महोबा के शूरवीर भाइयों के अखाड़े में भी लेकर चलेंगे, जहां दोनों भाई कुश्ती के दांव पेच सीखा करते थे, और साथ ही आल्हा के मंदिर के दर्शन भी आपको कराएंगे, जहां आज भी आल्हा की विशाल तलवार और खड़ाऊ रखी हुई है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली तो बंद तालों के अंदर की गुत्थी है, जो सदियों से अनसुलझी है, एक ऐसा रहस्य जिसके तिलस्म से पर्दा आज तक नहीं उठ सका है। धर्मग्रंथ कहते हैं कि देश भर में जहां जहां सती के अंक गिरे वहां वहां पर भगवती के शक्ति पीठ स्थापित हो गए। कहते हैं कि महर में मां का हार गिरा, इसीलिए ये स्थान महर कहलाया और माँ का कंठ गिरने से उन्हें माँ शारदा के रूप में पूजा जाने लगा। मान्यता है कि माँ की ये मूर्ति स्वयंभू है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी।
माँ शारदा या कहें माँ मैहर का शक्तिपीठ जो साल के 12 महीने भक्तों से गुलजार रहता है, जहां आस्था की डोर से भक्त खिंचे चले आते हैं, मां का जयकारा लगाते हैं, भाव विभोर होते हैं और मुंह मांगी मुराद का वरदान पाते हैं। जो कभी देख नहीं सकता मां ने उसको आंख प्रदान किया है, जो कभी चल नहीं सकता मां ने उसको पैर प्रदान किया है, जो कभी संतान प्राप्ति नहीं हो सकती थी, लोगों ने मना कर दिया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन मां ने उनकी गोद भरी है। तो माँ के चमत्कार को नाना प्रकार के जो भी जैसी माँ के चरणों में अपनी भावना से अर्जी लगाता है, माँ शारदा उसकी अर्जी पूर्ण करती है। अब जो भी आते हैं, जो भी मन में मुरादी लेके आते हैं, वो भी माता रानी के दरबार में पूरा होता है। माता जी के साथ हैं, माता जी हम लोग को दें आशीर्वाद, सबके मतलब काम हो, सब लोग अच्छे अच्छे आए और चाहे रोते भी आए लेकिन हंसते हंसते जाएं। बहुत अच्छी आस्था है हमारी, बहुत सच्ची आस्था से मैं आई हूँ और यहाँ पर माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ अपने भवन में अकेले नहीं विराजती हैं, बल्कि माता के इस दरबार में काल भैरव, रुद्रावतार हनुमान जी, गौरी शंकर, शेषनाग, ब्रह्मदेव, फूलमती माता और जलापा देव भी विराजमान है। पुजारी दावा करते हैं कि माँ की महिमा अनंत है, लेकिन इन मंदिर में जुड़ा है आधी रात का अजूबा। स्थानीय लोग और पुजारी दावा करते हैं कि यहाँ भक्त आल्हा की साधना अनवरत जारी है। ये सौभाग्य हमारे पुजारी जी को प्राप्त है और वो हम लोगों को बताते हैं कि आल्हा देव जी यहाँ से पूजन करके गए हैं, तो हम उनके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि आल्हा देव जी माँ शारदा की नित्य प्रति जो है पूजन करते हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ पर पूजा करके गए थे, उसके बाद से मंदिर जागृत हुआ है। और जैसे कि सभी को मालूम है कि कलयुग में माँ शारदा ने आल्हा को अमरता का वरदान दिया था। मान्यता है कि जब रात में मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और इंसानों से मंदिर का गर्भगृह वीरान हो जाता है, उसी समय वहां एक चमत्कार होता है जिसे देखा तो आज तक किसी ने नहीं है, लेकिन मान्यता है कि वहां आल्हा आकर स्वयं गुप्त रूप से पूजा करके चले जाते हैं। माँ को दिव्य फूल चढ़ाकर वो कहां चले जाते हैं ये कोई नहीं जानता। आल्हा जी को यहाँ पे वरदान मिला है अमर होने का, जो भारतवर्ष में मेरे हिसाब से अभी तक कोई अमर नहीं हुआ। यहाँ से जो भी मन्नतें मांगते हैं हर श्रद्धालुओं की पूरी होती है। पीर मोहब्बे में है आला देखो आज बलि अवतार, बड़े बड़े योद्धा जग जीते। मध्य प्रदेश के बघेलखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड तक आल्हा की गाथा गाई जाती है। कहते हैं कि महोबा में राजा परिमाल के सेनापति रहे आल्हा और उनके भाई उदल ने एक के बाद एक 52 लड़ाइयां जीती थी। कहते हैं आल्हा और उदल ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 साल तपस्या कर देवी को प्रसन्न कर दिया। इस मंदिर में आल्हा को माँ मैहर का वरदान है कि माँ की पहली पूजा वहीं करेंगे। तब से लेकर आज तक आल्हा माँ की आराधना करते चले आ रहे हैं। जो हमारे इतिहास में बताया जाता है, शिलालेख में लिखा है कि ये मूर्ति यहाँ पे प्रतिष्ठित थी पहले से ही, किसी ने लाया नहीं, बैठाया नहीं। लगभग 2100 वर्ष पहले या 2050 वर्ष पहले किसी चरवाहे ने देखा था यहाँ, फिर उस समय के जो स्वरूपा शंकराचार्य जी थे उनसे मूर्ति को प्रतिष्ठित करवा के बैठा दिया, थोड़ा सा टीन वीन लगा के बैठा दिया। उस समय से लोग जानना चालू किए, तो लगभग 2050 वर्ष तो हो गए हैं जानते हुए माता जी को। आल्हा उदल महोबा के जच्छराज और माता देवला की संतान थे। महोबा के राजा परिमाल देव के सेनापति थे आल्हा और उदल। आल्हा और उदल की वीरता की कहानी बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है, जिन्हें माँ शारदा के भक्त के रूप में जाना जाता है। यहाँ आज भी बच्चों के नाम आल्हखंड से लेकर रखे जाते हैं।
और अब हम आपको लेकर चलते हैं इन दो शूरवीर भाइयों के बनाए तालाब के पास, जिसमें आज भी कमल के फूल खिलते हैं, जहां आज भी आल्हा उदल का अखाड़ा बना हुआ है और मंदिर में रखी है आल्हा की खड़ाऊ और दिव्य तलवार, जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। पर्वत के चारों तरफ आस्था और भक्ति का संगम मिलता है। कहते हैं कि पर्वत की तलहटी में आज भी वो तालाब बना हुआ है जिसे आल्हा और उदल ने बनवाया था, जिसे अब पक्का करा दिया गया है। आस्था कहती है कि अमरता का वरदान पाने के बाद इसी सरोवर में स्नान करके आल्हा माँ की पूजा करने आते हैं और सबसे पहले माता की आरती करते हैं। आल्हा की वीरता का ये प्रतीक है कि आल्हा देव जी और उनके भ्राता श्री श्री उदल देव जी अपने वीरता से एक दिन में ही सरोवर बनाए थे। उसी सरोवर में स्नान करके आल्हा देव जी माँ शारदा की प्रथम पूजन करते। कथा कहती है कि दोनों भाई रण कौशल में महाबली थे। माँ शारदा की कृपा से दोनों भाइयों ने कई मोर्चों को फतह किया। दावा किया जाता है कि मंदिर की तलहटी में आज भी वो अखाड़ा मौजूद है जहां दोनों भाई वर्जिश किया करते थे, जहां तपकर कुंदन बने थे आल्हा उदल। उनको अचानक माँ के प्रति लगाव हुआ और मैहर आए वो, और मंदिर के पीछे साइड अखाड़ा बना हुआ है, वहां पे वो कुश्ती किया करते थे दोनों भाई। वहीं तालाब बना हुआ है, स्नान करके वो प्रातः माँ का दर्शन करने और माँ की उपासना करने आते थे। आज भी पहलवान इस अखाड़े की मिट्टी का तिलक करते हैं। उनका मानना है कि इस मिट्टी को सिर माथे पर लगाने से विजय निश्चित होगी और जब भी वो दंगल में उतरेंगे उन्हें आला जैसी वीरता और शौर्य प्राप्त होगा। आज भी यहाँ के जो भक्त हैं उनकी ये अनुभूति है, जो खास करके जो पहलवानी करते हैं, जो पहलवान हैं, वो पहलवान यहाँ की मिट्टी को अपना तिलक करके जब दंगल में जाते हैं तो उनको आल्हा की वीरता और शौर्य की प्राप्ति होती है। यही पास में ही बना है आल्हा का मंदिर, जहां आज भी आल्हा की तलवार और खड़ाऊ रखे हुए हैं। आल्हा और उदल की शूरवीरता के किस्से ऐतिहासिक दस्तावेजों और कथाओं में मिलते हैं, लेकिन उनकी देवी भक्ति की अलख पिछले 900 सालों से चल रही है, जो कहती है कि माँ मैहर के परम भक्त आल्हा आज भी रोज माँ शारदा के मंदिर में आते हैं, सबसे पहले गोपनीय पूजा करके चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपने आने के निशान। सतना के मैहर से योगी तारा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था और प्रमाण के बीच हमेशा असमंजस की स्थिति रही है, लेकिन इन दोनों के बीच कहीं पर सच छिपा है जो लोगों की नजरों से ओझल है, जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि उसका जवाब आपने ढूंढ लिया होगा। हमारी पहेली थी, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही मैं आता काम, कलम नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम। तो इसका उत्तर है ऐनक। आज की हमारी इस पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।